देखिए इन दिनों नरहिया में बने डिग्री कॉलेज को लेकर लगातार मांग उठ रही है। वहीं आपको बता दें कि समेली प्रखंड अंतर्गत नरहिया गांव में डिग्री कॉलेज बनने की मांग रखी गई है। बताते चले कि प्लस टू धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय कृष्णनगर नरहिया की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी एवं तब से लेकर अब तक यह विद्यालय नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहां से पढ़कर कई छात्र आज बड़े बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह क्षेत्र शुरू से ही पढ़ाई के मामले में अव्वल रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ यहां पर डिग्री कॉलेज की मांग भी जोर पकड़ रही है। बताते चले कि विद्यालय की खाली पड़ी जमीन में अगर डिग्री कॉलेज बन जाता है तो इलाके के लोगों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी। कॉलेज निर्माण हो जाने से समेली, कुर्सेला, फलका, कोढ़ा एवं पड़ोसी जिले पूर्णिया के रुपोली प्रखंड की भी लाखों की आबादी इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। एक कुर्सेला में सर्वोदय महाविद्यालय था, वह भी वर्ष 2019 से बंद पड़ा है। इस इलाके के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए घंटों का सफर करके कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, पटना जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीण मेधी मंडल बताते हैं कि यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए बिना डिग्री कॉलेज के उच्च शिक्षा ग्रहण करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पश्चिमी चांदपुर पंचायत समिति सदस्य प्रीति देवी ने कहा कि खासकर लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफी सोचना पड़ता है एवं उनके माता पिता भी अपने बच्चियों को शहर भेजने से कतराते हैं। नरहिया के स्थानीय समाज सेवी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कई बार डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर बड़े पदाधिकारी को भी आवेदन दे दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय ग्रामीण सुनील कुमार मंडल, सुबोध मंडल, गगन मंडल, राजेंद्र शर्मा, विलास यादव, कमलकांत शर्मा, ललन शर्मा, वकील यादव, अरुण यादव, भरमर शर्मा, रंजीत महतो, योगेंद्र मंडल, पवन देव सिंह, अरुण पासवान, पूर्व सरपंच पवन कुमार मंडल, मिट्टू मलिक, मणिकांत कुमार आदि ने पुरजोर तरीके से नरहिया में डिग्री कॉलेज स्थापना की मांग रखी है।